हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों जीके की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। पहले इसका नाम दोस्तों नीति आयोग था, अब इसका नाम चेंज करके पहले इसका नाम दोस्तों योजना आयोग था, अब इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया है दोस्तों, जिसका की अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है वो आईने अकबरी के लेखक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से जो संबंधित कप है वो है दोस्तों होपमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो चित्रंजन दास है वो देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात करें तो जो अशोक चक्र है उसमें कितनी तिल्लियाँ होती है? तो अशोक चक्र के अंदर टोटल मिलाकर 24 तिल्लियाँ होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में की जो पहली फिल्म है वो कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद पहली मूवी थी दोस्तों भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत जो अपने शरीर के अंदर होता है वो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज जो हड्डी है जो कि अपना जो कान होता है कान के पास में पाई जाती है उसे स्टेपिज हड्डी बोलते हैं, वो सबसे बड़ी हड्डी छोटी हड्डी होती है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी है? तो फीमर, जो जांघ की जो हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है दोस्तों शरीर के अंदर, उसे फीमर बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो मानव शरीर में कितनी पेशियाँ हैं? तो मानव शरीर में 6639 पेशियाँ होती है दोस्तों मानव शरीर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं RBC का यानी कि रेड ब्लड सेल का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है दोस्तों 120 दिन होता है RBC का कार्यकाल। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी जीके के क्वेश्चन देख सके दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सिलेक्शन करा सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में। और कमेंट करके हमें बताइए दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपका कोई सुझाव है विचार है अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट के माध्यम से टाइप कर सकते हैं दोस्तों। तो अंत में जय हिंद वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।